तो गाइस अब तक आप लोगों ने देखा था कि नो हेड हल्क ने इस दुनिया में आइस गॉड को बुला लिया था, जिसके कारण गाइस पूरा का पूरा लॉस सैंटोस बर्बाद होने लगता है। इसके बाद अपना फ्लैश ओपी और भाई सीन चैन ने मिलकर के एक से खतरनाक बंदों को ड्रॉ किया जो कि आइस गॉड से फाइट करने वाले थे, जिसमे से एक था अपना डीमन हल्क और दूसरा कैरेक्टर जिसे अपने सीन चैन ने ड्रॉ किया था वो और कोई नहीं बल्कि खुद लावा गॉड था जो कि आइस गॉड का भाई था। पर गाइस लावा गॉड ने पहले बता दिया था कि उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है और वो आइस गॉड को नहीं हरा सकता है। इसके बाद अपने फ्लैश ओपी और सीन चैन ने एक जॉइंट मॉन्स्टर हल्क को ड्रॉ किया। तो गाइस चलो देखते हैं क्या वो मॉन्स्टर हल्क आइस गॉड को हरा पाता है कि नहीं। पर गाइस वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में फ्लैश ओपी लिखना ना भूलना। गाइस चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ये आइस गॉड भले ही बड़ा हो पर मेरे सामने ये कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस आइस गॉड को नहीं छोड़ने वाला। फ्लैश ओपी भैया, अपना जाइंट मॉन्स्टर हल्क तो काफी ज्यादा बड़ा है, इसके सामने तो कार से एकदम छोटी छोटी चींटियों की तरह लग रही है। अरे बाप रे, लगता है ये निकल पड़ा है फाइट करने के लिए। आज तो आइस गॉड की सामत आ चुकी है, ये हमारे जाइंट मॉन्स्टर हल्क के सामने नहीं टिक पाएगा। अरे हाँ यार सिंचन, तू तो सही बोल रहा है यार मेरे भाई, भाई ये तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। ओहो ये तो भाई एक छलांग में देखो इतने बड़े रोड को पार कर चुका है, पर ये आखिर वहाँ पर जाकर कैसे फाइट करेगा। आइस गॉड और मॉन्स्टर हल्क के सामने तो यार इतना बड़ा समंदर है। क्या बात है, इन नमूनों ने तेरे जैसा एक और जोकर मेरे सामने फाइट करने के लिए भेज दिया। आइस गॉड, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे बेवकूफ, तू भूल गया कि तुझे तैरना तक नहीं आता है और तू मुझे मारने की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने तेरे लिए एक इंतजाम किया है, तुझे मेरे बंदे से निपटना पड़ेगा। अगर तू उसे हरा देता है तो मैं तेरे साथ फाइट कर लूंगा। बंदा कौन बंदा, यहाँ तो मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे यार ये तो मेगा गॉडजिला है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया? ओ नहीं, ये तो काफी ज्यादा ताकत है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तुझे भी मार डालूंगा मैं। ओ गाइस ये देखो यार, ये तो मेगा गॉडजिला है और भाई साहब टाइटन गॉड ने इसे यहाँ पर बुला लिया। अबे यार ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। गाइस अपने हल्क की बुरी तरह से धुलाई कर रही है। लाजो भी भाई, हमारा मॉन्स्टर हल्क कितना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि ये मेगा गॉडजिला को हरा सके। हाँ टोनी मुझे पता है, पर यार ये मेगा गॉडजिला तो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है यार, अपने हल्क को यहाँ से बुलाना पड़ेगा। गाइस हल्क वहाँ से वापस आ जाओ, तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे यार, हम लोगों को कुछ और ही ड्रॉ करना पड़ेगा। गाइस अरे यार मुझे नहीं पता था कि भाई इस आइस गॉड को हराना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, भाई इसने तुरंत ही मेगा गॉडजिला को बुला लिया। चलो गाइस इसका कुछ ना कुछ तो अपन लोग को करना ही पड़ेगा। फ्लैश ओपी भैया अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आइस गॉड से फाइट करनी थी, अब तो वो मेगा गॉडजिला भी हमारे सामने आ चुका है। हाँ सिंचन मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, पहले तो ना हम लोगों को इस मेगा गॉडजिला को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जब तक इस मेगा गॉडजिला को हम लोग हरा नहीं देते तब तक यार आइस गॉड को हम लोग नहीं हरा पाएंगे। एक मिनट सिंचन, अपना चॉप कहाँ चला गया बे? अरे वो साइड में टॉयलेट करने गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, टेंशन ना लो। अब ये बताओ कि हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए। फ्लैश ओपी भाई, अगर गॉडजिला के साथ फाइट करना है तो हमें कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा जो गॉडजिला की तरह ही काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो और उसको आसानी से हरा पाए। भाई अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को ना एक जॉइंट हल्क बनाना पड़ेगा। गाइस चलो यार एक जॉइंट हल्क बनाते हैं जो कि भाई इस गॉडजिला को हरा दे, उसके बाद यार आइस गॉड को हराने का कुछ सोचेंगे अपन लोग। तुम बेवकूफ इंसान नहीं सुधरोगे, रुको तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने ये किया है, अब तुम लोग कड़कती ठंड में कुछ ही समय में जम जाओगे। अबे यार ये आइस गॉड ने ये क्या किया, भाई चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और भाई सब पूरा का पूरा बर्फ ही बर्फ हो चुका है। गाइस मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यार, हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से एक खतरनाक हल्क बनाना पड़ेगा और यार इस गॉडजिला को हराना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस आइस गॉड को ठिकाने लगाऊंगा। जल्दी जल्दी बनाओ, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और मेरा हालत भी खराब हो रहा है। अरे यार आपको मैंने कुछ बड़ा बनाने के लिए बोला था, आप ये क्या बना रहे हो, एक ऐसा बंदा जिसने टोपी पहनी ही। अरे सिंचन ये सिर्फ अपने टोपी नहीं पहनता है, दूसरों को भी टोपी पहनाता है, बस तू देखता जाना ये काफी खतरनाक होने वाला है। अरे यार आखिर ये किस टाइप का बंदा है भाई, इसके हाथ और बाइसेप्स तो काफी ज्यादा मोटे मोटे लग रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा ना ये बंदा किसी तरह का सूट पहना हुआ है। अरे हाँ रे माइकल, ये पूरा का पूरा बंदा एक सूट पहन करके ही है और काफी ज्यादा खतरनाक है, बस तू देखता जा। गाइस तुम लोगों को पता चल गया क्या कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार। और गाइस कमेंट करके बताओ यार कौन है जो इस
गॉडजिला को हरा सकता है। जल्दी से बताओ, हम लोगों को ड्रॉ भी करना पड़ेगा। और ये देख सिंजन भाई, मैंने इसका यहाँ पर सूट तो बना दिया। अब जल्दी जल्दी से भाई मैं इसकी आउटलाइनिंग करता हूँ, उसके बाद यार मैं इसके कलर में ध्यान दूंगा। ये देख भाई, मैंने इसका सूट भी पूरी तरह से कम्प्लीट कर दिया है। चलो यार, अब क्या कर रहे हो, इसका पैंट भी बना दो। एक बार इसका पैंट बन जाए फिर हम लोग इसको कलर भी कर पाएंगे। फ्लासोबी भाई, ये बंदा आपने बोला कि हल्क है और इसने भाई सूट भी पहना, कहीं ये टैक्सीडो हल्क तो नहीं है? हाँ यार टोनी, मैं टैक्सीडो हल्क ही बना रहा हूँ। और ये देख भाई, मैंने इसके पैर भी बना दिए। यहाँ पर थोड़े से ना भाई हट्टे कट्टे पैर बनाने पड़ेंगे, जैसे यार ये ज्यादा ताकतवर लगे। और ये देख भाई, मैंने इसके आईब्रो बना दिए, कान बना दिए, और ये बना दी मैंने इसकी आंखें। रुक जा, आंख थोड़ा और ना अच्छा बनाना पड़ेगा मेरे को। अरे यार इसकी टाई का कलर, हाँ यार आप थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओ भाई साहब, इसका चेहरा तो काफी ज्यादा सावला है यार, कहीं ये ब्लैक हल्क ना बना दिया तूने? अबे नहीं यार माइकल भाई, मैंने काफी तगड़ा हल्क बनाया, बस तू देखता जाना। ये देख नाक बना दिया, ये बना दिया चेहरा, और इसकी आंखें बना डाली मैंने। अब चलो यार गाइस, को जल्दी जल्दी से अपन लोग शेयरिंग करते हैं, उसके बाद को फाइट करने के लिए भेजते हैं। और यार तुम लोग अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में हल्क ओपी लिख दो, क्योंकि हमारा ये हल्क काफी ज्यादा तगड़ा है भाई। देखना पड़ेगा ये गॉडजिला को हरा पाता है कि नहीं। प्लस अभी भैया, इस हल्क की मसल तो काफी ज्यादा ही तगड़ी है, कपड़े के बाहर भी दिख रही है यार बड़े बड़े डोले सोले। अरे हाँ सिंचन, इसके डोले सोले काफी ज्यादा बड़े हैं। और गाइस ये देखो भाई, मैंने इसकी शेडिंग वेडिंग भी चालू कर दी है। ओ भाई साहब, इसके चेस्ट के पास भी मैंने थोड़ी सी हाइलाइटिंग दे दी, जैसे ये और भी ज्यादा 3D लगने लगे। और गाइस थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ ना पैर के पास दे दूं, बट काफी है, मेरे को लगता ना ये तबाही मचाने वाला। तो गाइस हमारा ये हल्क रेडी हो चुका है, चलो देखते हैं यार ये रियल लाइफ में आता है कि नहीं। अरे बाप रे, ये वाला हल्क तो काफी ज्यादा बड़ा और भाई तगड़ा भी है। ये तो पिछले वाले जाइंट मॉन्स्टर हल्क से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। बाप रे, इसकी साइज तो देखो कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो चुका है कि ये वाला टैक्सीडो हल्क ना उस गॉडजिला की हालत खराब कर देगा। अरे बस तुम लोग देखते जाओ ये हल्क क्या करने वाला। ये देख रहे हो इसके हाथ कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं भाई। भाई ये किसी को भी कुचल सकता है, वो गॉडजिला क्या है। चलो फ्लैशो भैया, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से अपने टैक्सीडो हल्क को भेजना पड़ेगा उस गॉडजिला को हराने के लिए। ठीक है सिंचन, मैं अभी भेजता हूँ, जाओ टैक्सीडो हल्क। भाई साहब जा करके ना उस गॉडजिला के भाई पूछ तोड़ डालो, खोपड़ी तोड़ डालो, सर्किट निकाल डालो, और कुछ भी हो जाए भाई हरा क्या ना। अरे यार ये क्या भाई साहब, उतनी ठंडी ठंडी हवा चलना बंद हो चुकी है। फ्लासोबी भाई, मुझे लगता है कि अभी तक उस भाई आइस गॉड के अंदर उतनी ज्यादा पावर नहीं आई है, इसीलिए कारण ये रुक चुकी है। पर कोई नहीं, अपना हल्क तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा भाई, ये तो आते साथ भाई तबाही मचा रहा। पर यार ये क्या, ये वाला गॉडजिला तो हमारे हल्क का दुगना साइज का है। ओ भाई साहब, बट गाइस अपना हल्क ना इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। ये देखो भाई, ये तो भाई मेहनत पे मेहनत कर रहा है, और मुझे लगता है ना भाई धोने वाला। ओ भाई क्या ही पंच मारा अपने हल्क ने गॉडजिला को, ये देखो भाई। चलो टैक्सीडो हल्क, तुम ये कर सकते हो, हरा डालो इस गॉडजिला को, उठा के फेंको इसको यार, मारो सेबल शर्ट। अरे WWE नहीं देखते क्या, कैसे हल्क को यार। ओ नहीं बाप रे, ये तो लेजर भी मार रहा है। वही ना बात, भाई साहब दो डाला, अबे यार ये तो अपना हल्क ही मार खा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। गाइस अपना टैक्सीडो हल्क तो काफी ज्यादा दूर रहा है यार, भाई ये गॉडजिला तो काफी ताकतवर है। ओ भाई साहब, ये देखो यार कितनी दूर उठा के फेंका इस गॉडजिला को। भाइयों इसके लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में लिख दो यार टैक्सीडो हल्क ओपी। ओ भाई साहब, वो नहीं गाइस, ये गॉडजिला भी काफी ज्यादा ताकतवर है यार, अपने हल्क को भाई कितनी धुलाई कर रहा है। ओबे यार मुझे नहीं पता था अपने भाई हल्क के पास में लेजर अटैक भी है। अपना हल्क तो यार सोलर फ्लेम भी मार रहा है भाई, इसके अंदर कौन कौन सी पावर्स है। अरे थोड़ा बच के हल्क, इसका पंच काफी ज्यादा तगड़ा है भाई, पूरा का पूरा शरीर गॉडजिला का मैटर से बना हुआ है। गाइस ये वाला मैच ना काफी ज्यादा धमाकेदार हो रहा है यार, अपना हल्क तो भाई धुल रहा है भाई, इसको तो उठा उठा के फेंक रहा मेरा गॉडजिला। अबे यार गॉडजिला को हराने का कुछ ना कुछ तरकीब तो होगा भाई, इसके सर्किट को एक ना एक बार तो तोड़ना ही होगा। ओ नहीं गाइस, हमारा हल्क समझ चुका है यार कि अगर वो यहाँ पे फाइट करेगा ना तो भाई हम लोगों पे फंस जाएगा भाई, हम लोगों को गॉडजिला आके मार सकता है। और शायद इसीलिए गाइस हमारा हल्क देखो यार गॉडजिला को पहाड़ की तरफ लेके जा रहा है। ओ नहीं गाइस, ये क्या, ये देखो गॉडजिला की बॉडी भाई रुक चुकी है, मुझे लगता है यार उसकी एनर्जी डाउन हो रही है। हल्क अपने पास अभी टाइम है, इसको एक बार में हराना होगा तुझे। चलो टैक्सीडो हल्क, तुम ये कर सकते हो भाई, अगर तुमने अभी नहीं हराया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, अपनी जान लगा दो। ओ देखो क्या हो गया, ये वाला गॉडजिला हार चुका है भाई, ये तो जमीन के अंदर चला गया। फाइनली गाइस हमारे जायंट टैक्सीडो हल्क ने यार एक तो अच्छा काम किया कि भाई उस गॉडजिला को हरा दिया,
बट गाइस अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है क्योंकि हम लोगों को आइस गॉड को हराना ही पड़ेगा। प्लस भी भाई आप तो इतने आसानी से बोल दे रहे हो, पर आपको पता है ना कि वो आइस गॉड कितना ज्यादा ताकतवर है। हम लोगों के पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो उस गॉड को हरा पाए। ऊपर से हमारा ये लावा गॉड ये भी किसी काम का नहीं है। जवान संभाल के बच्चे, मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। अरे लावा गॉड शांत हो जाओ, अपने को ना कुछ सोचने दो, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उसको हराऊं कैसे, कोई ना कोई तरकीब तो आप बता नहीं रहो। ऐसी कुछ तरकीब बताओ जैसे मैं उसको हरा पाऊँ। एक तरकीब है बच्चे, अगर तुम अर्थ गॉड को ड्रॉ कर दो तो शायद उसकी ताकत और मेरी ताकत मिल करके इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम लोग उस आइस गॉड को रोक देंगे। अरे पर हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों ने तो कभी आज तक अर्थ गॉड को देखा ही नहीं है। अर्थ गॉड आइस गॉड का जुड़वा है। जैसा देखने में आइस गॉड दिखता है वैसा ही अर्थ गॉड भी दिखता है। बस अर्थ गॉड को ड्रॉ करो और उसकी ताकत और मेरी ताकत मिला करके हम दोनों मिल करके उस आइस गॉड को रोक देंगे। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, उस आइस गॉड की ताकत बढ़ते ही जा रही है, मैं भी बर्फ में जम रहा हूँ। अबे यार ये तो गड़बड़ हो गई, हम लोगों को एक और टाइटन गॉड ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं गाइस, हम लोगों को ये तो पता लग गया कि हम लोगों को बस आइस गॉड की तरह दिखने वाला एक टाइटन गॉड ड्रॉ करना। और एक बार गाइस हमारे पास अर्थ गॉड आ जाए तो भाई अर्थ गॉड और लावा गॉड की पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो लोग आसानी से भाई उस आइस गॉड को भाई रोक देंगे। फिलोसफी भैया अगर ऐसी बात है तो प्लीज इस बार मुझे जाने दो, देखती जाओ मैं कितना खतरनाक ड्रॉ करता हूँ। और यार इस बार तो मैं अर्थ गॉड की ताकत को यूज करके उस आइस गॉड को हरा ही दूंगा। ओके गाइस तो चलो देखते हैं अपना सिंचन कितना खतरनाक अर्थ गॉड ड्रॉ करता है। और ये देखो भाई उसने इसकी नाक बना दी, इसकी आंखें भी बना दी, आंखें तो काफी ज्यादा डरावनी नहीं भी लग रही है यार। अरे ये एक टाइटन गॉड है, इसकी आंखें तो भाई डरावनी होगी ना। ये देखो मैंने इसके शोल्डर बना दिए और ये बना रहा हूँ मैं इसके बाइसेप और ये बना दिए मैंने इसके हाथ। बोला ना ये काफी ज्यादा ताकतवर होगा। गाइस देखने में तो ये अभी से ही काफी ज्यादा भयानक और भाई तगड़ा लग रहा है देखने में ये। भाई ये तो आइस गॉड से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, लावा गॉड भी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था। भाई सिंचन तू तो काफी अच्छा ड्रॉइंग कर रहा है। अरे भाई साहब इसके तो इसने एब्स भी बना डाले और भाई इसका चेहरा तो पूरा का पूरा जमीन की तरह लग रहा है। चलो गाइस हम लोगों को सिंचन को सपोर्ट करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अर्थ गॉड ओपी लिख दो गाइस। और ये देखो भाई सिंचन ने तो इसके मसल्स भी बनाना चालू कर दिया, भाई इसके चेस्ट तो काफी ज्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं। फिलोसफी भैया अभी तो मैंने शुरुआत की है, बस इस बार इसकी सेटिंग हो जाने दो, उसके बाद मैं इसको पूरी तरह से अर्थ गॉड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो भाइयों तुम लोगों को क्या लगता है यार, अर्थ गॉड ज्यादा ताकतवर है या आइस गॉड? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। और क्या लगता है हम लोग ये मैच जीत पाएंगे कि नहीं, आइस गॉड को हरा पाएंगे कि नहीं? अरे हम लोगों का ये अर्थ गॉड इतना ज्यादा ताकतवर होगा, ऊपर से हम लोगों के पास पहले ही लावा गॉड है, हम ही लोग जीतेंगे। ये देखो मैंने इसके शरीर पे टेक्सचर और हाइलाइटिंग करना शुरू भी कर दिया है, अब जाकर के पता लगेगा। ओ भाई साहब ये देखो यार अपना सिंचन इसके पूरी बॉडी में ये क्या बना रहा है भाई, इसके वेंस है क्या? और ये तो पूरी चमक रही है गाइस, नियॉन कलर की, ये तो काफी तगड़ी लग रही है भाई। अरे यार सिंचन इसके पूरी बॉडी पे कहीं कहीं तो स्केचेस भी डाल दे यार, क्योंकि ये गॉड है तो फाइट काफी ज्यादा करता होगा, तो थोड़ी तो स्केचेस पड़े होंगे ना। ठीक है भाई कल कल मैं समझ चुका हूँ, बस अब देखते जाओ। मैंने इसके यहाँ पर दे दिया हल्का सा स्क्रैच और थोड़ी सी देता हूँ मैं इसके इस पैर पे, यहाँ पर भी मैंने दे दिया, अब कैसा लग रहा है ये? अब सिंचन ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। गाइस तुम लोगों को कैसा लग रहा है ये लावा गॉड की जगह पर भाई सब अपना अर्थ गॉड? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो अभी तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से नंबर 19 लिख दो यार। तो चलो गाइस देखते हैं अपना ये अर्थ गॉड रियल लाइफ में आता है कि नहीं। अबे यार सिंचन ये तो सही में आ गया। ओ भाई सब गाइस ये देखो अपने पास पहले से एक लावा गॉड था, ऊपर से और अब तो अर्थ गॉड भी आ चुका है। दो दो गॉड्स की पावर इतनी ज्यादा होगी गाइस, मैंने सोचा नहीं था भाई इस बार तो आइस गॉड पक्का हारने वाला, बस तुम लोग देखते जाओ। बच्चे बस तुम इंतजार करते जाओ, उसे पता भी नहीं होगा कि उसने किससे पंगा ले लिया है। हम दो भाई मिल करके अपने आइस गॉड भाई को पक्का रोक देंगे। तो चलो भाइयों देखते हैं कौन जीतता है, हमारे लावा गॉड और अर्थ गॉड मिल करके क्या भाई उस आइस गॉड को हरा पाते हैं कि नहीं। पर दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो गाइस देखते हैं अब क्या होने वाला है। तुम बेवकूफों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें लगता है कि तुम दोनों मिलकर के मुझे हरा सकते हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, अब मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा लावा गॉड। अब मैं अपने मौसम को इतना ज्यादा ठंडा कर दूंगा
कि तुम पूरी तरह से जम जाओगे, तुम्हारे शरीर का सारा लावा जम जाएगा। ऑफकोर्स, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं कुछ ही समय में पूरी तरह से जम करके मर सकता हूँ। हम दोनों को जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं अपनी ताकत का यूज करके इसके पूरे शरीर को ही गर्म कर देता हूँ। अर्थ गॉड, मैं अपनी सारी ताकत लगा करके इसके शरीर को गर्म करता हूँ। उसके बाद मेरे शरीर में कोई भी ताकत नहीं रहेगी। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जो करना है तुम्हें करना होगा। इसके बाद तुम लोगों ने ये क्या किया? मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी है। इतनी गर्मी तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। लावा गॉड, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम लोगों को मेरे पल्ले में नहीं पड़ना चाहिए था। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितना ज्यादा ताकत है और मैं तुम लोगों के साथ में क्या कर सकता हूँ। लावा गॉड, अर्थ गॉड, तुम्हें पछतावा होगा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए। अब मैं तुम्हें अपने असली ताकत का नजारा दिखाता हूँ। तुम दोनों मिल करके भी अब मुझे नहीं हरा सकते। लावा गॉड, अब अपने मरने का सामान तैयार कर दो। तुम दोनों को हम लोगों से कोई भी नहीं बचा सकता। ये देख, ये मेरा असली रूप है। भाई, लगता समय आ चुका है। या तो करो या तो मरो। आज हम लोगों को अपनी जान देकर के ही लॉस सैंटोस को बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये आइस गॉड सबको मार डालेगा। गाइस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। लावा गॉड और अर्थ गॉड से ज्यादा ताकतवर निकला ये आइस गॉड, क्योंकि यार उसने खुद को अपग्रेड कर लिया और थ्री हेड आइस गॉड बन चुका था। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारा लावा गॉड और अर्थ गॉड मिल करके भी इस थ्री हेड आइस गॉड को हरा पाएंगे? गाइस, अगर तुम्हें जानना है तो इसका अगला पार्ट तुम्हें जरूर देखना चाहिए। बट गाइस, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। और कमेंट बॉक्स में बताओ यार, ऐसा कौन है जो इस थ्री हेड आइस गॉड को हरा पाए। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। आप लोगों से मिलते हैं हम लोग कल एक और धमाकेदार वीडियो में।